पिवट टेबल। सो पिवट टेबल में हम बात करेंगे कैलकुलेशंस के बारे में। कैलकुलेशंस, इसके अंदर जो कैलकुलेशंस है वो हम क्यों करेंगे, पहली चीज को जानते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमने यहाँ पे अपना प्रोडक्ट का कैटेगरी एंड अपनी सेल्स को रखा हुआ है, तो मुझे पता चल रहा है कि किस कैटेगरी में कितना सेल हुआ है। अब मुझे इसकी कंट्रीब्यूशन चाहिए, कंट्रीब्यूशन कि किस प्रोडक्ट कैटेगरी में कितना सेल हमारा हुआ है, ठीक है। तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या है कि हाँ भाई जो है पूरे पूरे सेल्स में इतना परसेंट का शेयर रखता है, इसका इसका इतना परसेंट का शेयर है। तो इस चीज को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सेल्स को एक बार और रखेंगे वैल्यू में। अब यहाँ एक नई चीज सीखने वाली है, नई चीज सीखने वाली ये है कि आप कभी भी किसी भी कैटेगरी किसी भी फील्ड को वैल्यू सेक्शन में एक से ज्यादा बार रख सकते हैं, पर ध्यान रखिए फिल्टर सेक्शन में, कॉलम सेक्शन में और रो सेक्शन में आप किसी भी वैल्यू को बस एक बार ही रख सकते हैं। अब जहां वैल्यू फील्ड सेटिंग में आप जाएंगे और यहाँ शो वैल्यू एज दिखेगा, जहां पे पहले से नो कैलकुलेशन होगा, इस नो कैलकुलेशन को सिलेक्ट कर आप परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल करेंगे। मतलब कि मैं हर एक सेल वैल्यू को डिवाइड कर रहा हूँ इसकी टोटल से, टोटल क्या है 36,4,35, एक कॉलम का टोटल है, इसलिए हमने परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल लिया। जैसे आप ओके करेंगे तो इसकी कंट्रीब्यूशन आपके सामने आ जाएगी कि इसकी कितनी परसेंट की कंट्रीब्यूशन है। अब इसमें रो टोटल भी है, कॉलम टोटल भी है, तो ये चीज क्या है। तो चलिए एक दूसरी पिवट लगा के देखते हैं। जब हम दूसरी पिवट लगाते हैं और मैं मैट्रिक्स फॉर्मेट में रखता हूं, मैं मान लीजिए कि मैंने इम्प्लॉई को यहाँ रखा और मैंने मंथ को कॉलन में रखा और सेल्स को उठा के हमने यहाँ वैल्यू सेक्शन में रखा। अब यहाँ पे ध्यान रखिए ए जो है आपका कॉलम टोटल कहलाएगा और ए जो है आपका रो टोटल कहलाएगा, और ये जो दिख रहा है कॉर्नर में इसको हम ग्रांड टोटल कहेंगे, मतलब सबका टोटल। अब आते हैं सम ऑफ सेल्स, जब सेलेक्ट करके वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाते हैं शो वैल्यूज में, तो कैलकुलेशन, तो यहाँ पे आता है परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल। इसका मतलब है कि जो 36,4,4,39 से जितने भी नंबर्स हैं उन सारे नंबर्स को डिवाइड करके परसेंटेज में कैलकुलेट करेगा। अगर मैं सिलेक्ट करते हैं कॉलम टोटल, तो हर मंथ का जो नीचे उसका टोटल आ रहा है उससे उसकी वैल्यू को डिवाइड करके मंथली कंट्रीब्यूशन निकाल के देगा। और कॉल ऑफ रो टोटल, इससे मतलब है कि हर एक बंदे का जो भी हर एक जो सेल्स ऑफिसर्स है उनके टोटल से उनके टोटल को डिवाइड करके यहाँ पे आपको टोटल देगा। और परसेंटेज ऑफ मतलब कोई पर्टिकुलर, तो परसेंटेज ऑफ का क्या डिफाइन है आपका, चलिए देखते हैं। इसके लिए हमें एक और पेपर चाहिए, उससे पहले मैं यहाँ पे सम ऑफ ग्रांड टोटल कर देता हूँ, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल। ओके, तो ये आपके सामने फिगर आ गया कि ओवरऑल सेल में पूजा अप्रैल में 0.38 का स्टेक रखता है, मतलब कि शेयर रखता है। अब मान लीजिए मैंने अपने डेटा के अंदर में एक काम कर रहा है कि मैं यहाँ टारगेट ऐड कर देता हूँ, टारगेट, और हमारे पास फिक्स टारगेट है सेल्स का यहाँ पे 45,000, कि 45,000 सारे टारगेट को दिया गया है। अब मैं यहाँ पे एक पीवट बनाता हूँ, ध्यान रखिएगा पीवट बनाते समय वो आपका 45 वाला भी सेक्शन सिलेक्ट कर लीजिएगा। इंसर्ट करते हैं पीवट टेबल एंड ओके। अब मैं यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम रखता हूँ और यहाँ पे सेल्स रखता हूँ, तो यहाँ आप देखेंगे कि यार टारगेट यहाँ पे ऑलरेडी आ गया है। फिर मैं एक और यहां से रखता हूँ, एक एक बार और रखता हूँ अपना सेल्स को। वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाते हैं, शो वैल्यू एज पे आते हैं और यहाँ नो कैलकुलेशन की जगह पे परसेंटेज ऑफ, और यहाँ टारगेट हालांकि बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो जाता है, अदरवाइज आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं।
ओके करेंगे तो ए आपको बताएगा कि 45,000 की जो टारगेट है उसमें पूजा ने कितना अचीव किया, मोहन ने कितना अचीव किया, कविता ने कितना अचीव किया। तो इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें और भी टोटल्स हैं, हम चलिए उन टोटल्स को भी ध्यान से देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे मंथ है यहाँ पर रखा और मंथ है मैंने सेल रखा, तो अप्रैल मई जून जुलाई जनवरी फरवरी आपको यहाँ दिख रहा है, साथ में ब्लैंक भी है। ब्लैंक इसलिए है क्योंकि नीचे हमने जो टारगेट सेलेक्ट किया ना इसको इसने पिक कर लिया है, यहाँ तो ब्लैंक ही है ना। तो मुझे कंटिन्यू चाहिए, कंटिन्यू कैलकुलेट चाहिए रनिंग टोटल, जिसको हम क्यूमुलेटिव टोटल कहते हैं, कि अप्रैल का टोटल यहाँ आना चाहिए, अप्रैल और मई का टोटल जुड़ के यहाँ आना चाहिए, अप्रैल मई जून का टोटल यहाँ जुड़ के आना चाहिए। तो एक बार और सेल्स को यहाँ पे हम रखते हैं, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाते हैं और यहाँ शो वैल्यू एज, यहाँ पे सॉरी शो वैल्यू एज पे आते हैं, नो कैलकुलेशन की जगह पे यहाँ पे आपके सामने आता है रनिंग टोटल। तो रनिंग टोटल यहाँ पे इसकी टोटलिंग कर देता है। इसी तरह से यहाँ पे और भी कैलकुलेशन है, आप उनको ट्राई कीजिएगा। जो कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगा उसके बारे में हम कल डिस्कस कर लेंगे। जैसे रनिंग टोटल परसेंटेज, तो परसेंटेज कैलकुलेटिव करेगा, और यहाँ पे आपका इसी तरह से पैरेंट टोटल बाकी चीज़ें दिख रही है। लेकिन हम बात करते हैं फिल टू फिल कैलकुलेशन का। जैसे कि मैंने यहाँ पे टारगेट के नीचे ऐड कर दिया, मैं इस टारगेट के डेटा को हटा देता हूँ और फिर सेलेक्ट करके हम यहाँ पिवट लगाते हैं। पिवट लगाते ही मैं यहाँ पे अपना मान लीजिए कि एम्प्लॉय रख देता हूँ, एम्प्लॉय में यहाँ पे मैं रख देता हूँ सेल्स। अब मुझे पता है कि इसका टारगेट 45 है, तो मैं इसमें सबको 45 से डिवाइड करके यहाँ परसेंटेज चाहता हूँ, और मैं डेटा में टारगेट वगैरह ऐड नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे जो है हम यूज करते हैं पिवट टेबल एनालाइज के अंदर फिल आइटम सेट, जहाँ पे ऑलरेडी आता है कैलकुलेटेड फील्ड। तो इस कैलकुलेटेड फील्ड में आते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं टारगेट परसेंटेज, जो कि हेडिंग है हमारा। और यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम परसेंट यहाँ पे देंगे हम सेल्स डिवाइड बाय 15,000, 45,000 है ना, हाँ 45 45,000, और इसको कर देंगे यहाँ पे ऐड, यहाँ पे कर देंगे ओके। बट ये इस तरह से परसेंटेज में आया क्योंकि हमें इसके ऊपर हमने अभी तक परसेंटेज का सैंपल नहीं लिया, हमने परसेंटेज का सैंपल दे दिया तो ये परसेंटेज। तो हम इस तरह से भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ एनालाइज के अंदर में हम इसको कर सकते हैं कैलकुलेटेड फील्ड, और इसमें जो कुछ करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। जैसे कि मैं निकालना चाहता हूं, मैं यहाँ पे सेल्स सेल्स को मल्टी सेल्स का जितने भी हमारे पास सेल्स हुए हैं अमाउंट में उसका जीएसटी निकालना चाहता हूँ 18%। तो यहाँ पे 18% हमने मल्टीप्लीकेशन कर दी और यहाँ हम लिखेंगे जीएसटी, ऐड करेंगे देन ओके। तो यहाँ देखिए सबका जीएसटी निकल के आ गया। तो इस तरह की जो कैलकुलेशंस है हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इसमें फॉर्मूला लगाना, जैसे मैं चाहता हूं कि अगर सेल्स इज ग्रेटर देन 50,000 तो मैं यहाँ पे 10,000 का इंसेंटिव देना चाहता हूँ, अदरवाइज 5,000 का इंसेंटिव देना चाहता हूँ। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे INC इंसेंटिव और यहाँ पे हम देंगे फॉर्मूला कि इफ ब्रैकेट ओपन, और यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे अपना सेल्स कि सेल्स इज ग्रेटर देन 50,000, तो 10,000 का इंसेंटिव अदरवाइज 5,000 का इंसेंटिव, और मैं यहाँ से इसको ऐड करता हूँ ओके करता हूँ। तो देखिए 10,000 का इंसेंटिव और बाकी जगहों पे 5,000 का इंसेंटिव आया, क्योंकि सारे के सारे 50,000 से नीचे थे। तो इस तरह के फॉर्मूले लगा सकते हैं।
उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे लिस्ट फॉर्मूले पे क्लिक करूंगा तो ये बता देगा कि हमने क्या क्या इसके अंदर कैलकुलेशन कर रखा है। और अभी जो नया पावर पिवट आया है उसमें हमें बेजिस कैलकुलेशन आती है जहां पे हम बहुत सारे फॉर्मूलेज लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो पिवट की कैलकुलेशन है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है जो कि हम पावर पिवट की क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो मैंने आपको दिया है इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, कल हम बात करेंगे एक्सटर्नल पिवट टेबल के बारे में।